नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश ठहरने का नाम नहीं ले रहा, एनडीए अलायंस स्थिर होने का नाम नहीं ले रही। एक मान रहा है, दूसरा लूट रहा है, और कौन मान रहा है कौन लूट रहा है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। इतना कंफ्यूजन फैल रखा है, कहते हैं ना रायता फैल जाना। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और बीजेपी के साथी जो दोस्त हैं उनके बीच रायता फैला। अब एक नई खबर आई है, बड़ी खबर आई है। राजभर को मनाने की कोशिश थी, मंत्री बना दिया। अब पता नहीं माने हैं कि नहीं माने हैं, फिलहाल मंत्री पद को लेकर खुश हैं, लेकिन अभी लोकसभा सीटों को लेकर के संतुष्ट नहीं हैं। जयंत चौधरी मंत्री बना दिए गए, दो सीटें मिल गई हैं, फिलहाल मजबूरी भी है, कई बार मजबूरी का नाम खुशी होती है, तो जयंत चौधरी पर चर्चा नहीं करते हैं। अनुप्रिया के बारे में हमने बताया था न्यूज लॉन्चर पर, अनुप्रिया पटेल दिल्ली में अमित शाह और नड्डा से मिल करके अपनी नाराजगी रख चुकी हैं। लेकिन बड़ी खबर उससे आगे है, जिसके बारे में अब तक कहीं चर्चा नहीं थी, जो काफी वक्त से खामोश भी है। शत्रुघ्न सिन्हा नहीं है, खामोश का मतलब सिर्फ कोई नहीं है, जो खामोश थे काफी वक्त से, संजय निषाद। संजय निषाद की नाराजगी की खबरें हैं, संजय निषाद के कदम घर से बाहर निकल चुके हैं और बीजेपी के कई दिग्गजों के घर तक वो कदम पड़ चुके हैं। क्यों नाराज है संजय निषाद, क्या है पूरी खबर? हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से आलोक पाठक। आलोक भाई, ये बड़ी खबर बताया आपने, अब तक संजय निषाद इनके बारे में चर्चा नहीं हो रही थी, लग रहा था यही बेचारे शरीफ सज्जन आदमी हैं, संतुष्ट हैं, जो मिल रहा है उसी में खुश हैं। हालांकि मैंने खबर इनके बारे में, जब ये नाराज नहीं है इसको, इसकी पड़ताल में कर रहा था, तो मैंने देखा कि अक्टूबर 2023 में इन्होंने एक जगह कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत में कहा था कि 37 सीट पर हम लड़ने के लिए तैयार है, 37, और बीजेपी को बड़ा भाई बनकर के चुपचाप सहयोग करना चाहिए 37 पर। उसके बाद खैर 37 तो बात उसको मजाक में ही आदमी ले सकता है और गंभीरता से लेने का कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन उसके बाद फिर एक दो जगह बयान आया, उन्होंने कहा कम से कम 2-3 सीट तो चाहिए। और बड़ी बात जो उन्होंने कही थी कि भाई अब भाजपा के छतरी से बाहर आने का वक्त, भाजपा के छतरी में नहीं रहेंगे, भाजपा के कमल पर नहीं रहेंगे, अब हम भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना चाहते। लेकिन फिर खामोशी छा गई। जब राजभर प्रतिक्रिया दे रहे थे, अनुप्रिया दिल्ली में मिल रही थी, जैन अब विधायकों को लेकर के घूम रहे थे मथुरा से लखनऊ तक, उस वक्त भी संजय निषाद खामोश थे। एकाएक ऐसा क्या हुआ कि संजय निषाद नाराज हो गए, और ये नाराजगी की खबर में कितना दम है? देखिए, खबर में इस तरह से दम है कि आज सुबह सुबह वो सबसे पहले जो भी नाराज होता है वो जाता है केशव मौर्या के घर। तो केशव मौर्या के घर आज सुबह सुबह पहुंच गए। भाई, आज केशव मौर्या के घर उनके जाने का उचित नहीं था, उनका राजभर गए, दारा सिंह चौहान ने समझ में आता है मंत्री बने हैं तो माध्यम नहीं थे, केशव मौर्या ही वापस ले आए थे इन लोगों को, लेकिन संजय निषाद चले गए वहां पे। वहां चलने के बाद आत्मीय भेंट हुई, एक केशव मौर्या जी ने ट्वीट कर दिया, लेकिन उसके बाद असली खेल शुरू हुआ। फिर उन्होंने एक लोकल टीवी, जो यूपी का लोकल चैनल है भारत समाचार, उस पर इंटरव्यू लिया और बोला कि मैं टेक्निकल अलाइनमेंट से खुश नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे और लोग लड़े चुनाव, और लोग चुनाव लड़े। जो हमें मेरे पास सूचना है कि वो चाह रहे थे कि उनको कम से कम 3 सीटें मिले, और उनकी बात में को भाजपा इग्नोर नहीं कर सकती है, क्योंकि भाजपा के सामने एक सरदर्द अखिलेश यादव ने खड़ा कर दिया है। सब जानते हैं कि निषाद पार्टी का को असली अस्तित्व तब पता चला जब वो लोकसभा उपचुनाव में 2018 में उनके बेटे को अखिलेश यादव ने गोरखपुर से लड़ाया, वो चुनाव जीत गए, तब निषाद पार्टी का अस्तित्व समझ में आया। नहीं तो आप जिस बेल्ट में रहने वाले हैं, गोरखपुर और आसपास क्षेत्रों में निषाद बड़ी संख्या में थे, और एक बार योगी जी भी 10-15 हजार वोटों की मार्जिन से जीते थे, उसके बाद योगी जी को समझ में आया था कि निषादों की नाराजगी हमको भारी पड़ सकती है, और ये नाराजगी 2018 में दिख गई थी लोकसभा उपचुनाव में। वहां पे क्या किया समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने, काजल निषाद के रूप से एक मजबूत उनको एक निषाद चेहरा मिल गया है, अब वो गोरखपुर से ताड़ ठोक रही है,
अब बस गोरखपुर के पास से इनके बेटे प्रवीण निषाद चुनाव लड़ते हैं लोकसभा का, तो ये मामला गया है फंस। अब निषाद, संजय निषाद के ऊपर आरोप लग रहा है कि उनका एक बेटा सांसद, वो खुद मंत्री, एक बेटा एमएलसी है, तीनों किलो सेटल्ड है। ये चाह रहे हैं तीन सीटें, गठबंधन में तीन सीटें चाह रहे हैं, और इनके दावे में थोड़ा दम है कि कुछ सीटें ऐसी हैं उत्तर प्रदेश में 8 से 10 जहां पे निषाद की जनसंख्या ठीक ठाक है, और इनका क्षेत्र शुरू होता है गोरखपुर बस्ती से लेकर ये कौशाम्बी और फतेहपुर तक जाता है। तो अभी तक ये क्या, संजय निषाद ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन संजय निषाद अपने मन की करा लेते हैं। अभी कितना संजय निषाद आगे बढ़ेंगे, कितना नहीं बढ़ेंगे, ये सब कुछ निर्भर करता है, क्योंकि ये दूसरे कैंप से लगातार टच में है। ये जितने भी भाजपा के सहयोगी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे चुपचाप सब कुछ वॉच कर रहे हैं कि कौन सा गठबंधन चुनाव में जीतता दिखाई देगा, उस वक्त ये लोग असली चेहरा दिखाएंगे। तो उधर से भी बात हो रही है, और आज उन्होंने अपनी बातचीत खुल के इंटरव्यू में कह दी। और आज कहने का मतलब क्या होता है आशीष भाई, अभी तक ये गठबंधन में फाइनल नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में कितनी सीट किसको देने जा रही है। उसने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए 51, उसमें संजय निषाद के बेटे को भी, उनके सिंबल पे लड़ा था प्रवीण निषाद, अभी 29 सीटों का बाकी है। इनकी जो डिमांड है कि इनका दल, अपना दल से इनको कम सीटें नहीं चाहिए, ये ठीक है। जयंत ने भी 2 सीटें घोषित कर दी है, 3 सीटें अनुप्रिया मांग रही, 3 ये मांग रहे हैं, राजभर भी 3 मांग रहे हैं। तो अब अगले और उसके बाद सही समय पर उन्होंने नाराजगी जाहिर कर दी अपनी, जाके आज मीडिया के सामने भी रख दी। तो भाजपा के लिए फिलहाल जो है वो, एक तरफ तो उनके प्रत्याशी चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे हैं, एक बाराबंकी के प्रत्याशी जो है वो वीडियो वायरल होने की वजह से उन्होंने खुद अपने आप को मैदान से बाहर कर लिया। दूसरा एक मामला कुशीनगर का, ये मामला 2 साल पुराना है, वहां के कुशीनगर या कहीं के एक सांसद थे, उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक गलती से एक रंगीन वीडियो भेज दिया था, और उस आदर्श मीडिया मंच पे वहां के तमाम जिलों के DMSP वगैरह थे, तो वो लोग हट गए थे। ये मामला 2 साल पुराना है, लेकिन इसकी चर्चा अभी की जा रही है और आज सुबह से किया जा रहा है। तो लगातार जो माहौल बन रहा है, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो अपनी मिशन 80 की बात कर रही है, लेकिन हकीकत में वो बुरी तरह से 4-4 सहयोगी हो गए हैं। कहते हैं ना कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, और वो भी दिग्गज सहयोगी, अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस, कुर्मी बिरादरी, संजय, डॉक्टर संजय निषाद, निषाद, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी। तो 4-4 मतलब कह रहे हैं कि तराजू पे 2 को बैलेंस कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ वाले डिसबैलेंस कर जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात आशीष भाई आज ये हुई है कि धनंजय सिंह को जब सजा दी गई, तो उनके समर्थकों ने वहां नारा लगा दिया है, अमित शाह मुर्दाबाद। और ये जो नारे हैं, इसकी गूंज आने वाले दिनों में सुनाई देगी। और कई लोगों ने तो यहां पे ट्विटर पे कह दिया है कि अब एक चीज तो कंफर्म हो गई, धनंजय के सजा के बाद और चुनाव में फंसने के बाद, या ब्रजभूषण शरण सिंह की बात भाजपा मान जाएगी, जो आपने पहले के डिबेट में कहा था। तो बुरी तरह से भाजपा फंस गई है। एक जो उनका कोर्ट निषादों ने भी जम, देखिए बीजेपी अगर सत्ता में है उत्तर प्रदेश में, और पिछली बार लोकसभा में 52% वोट पाई थी, 51 पॉइंट कुछ था, तो उसमें नान यादव ओबीसी का बहुत बड़ा चंक था, और निषादों का भी वोट परसेंटेज कोई प्रामाणिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन कई लोग कहते हैं 3 से लेकर 7% तक निषादों की आबादी मानी जाती है। तो जब मामला 1-to-1 होगा या नेक टू नेक फाइट होगी, विधानसभा में घट के ये 44% आ गया था NDA, और अखिलेश यादव का जो गठबंधन था वो 37-38% था, तो 2-3% 3% 4% वोट भी हम मान लेते हैं यूपी में, तो 15 करोड़ वोटर में मान के लीजिए 60 लाख वोटर का है। और कई लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां पे हार जीत का मार्जिन जो है वो 5-10 हजार, 5-10 हजार कुछ ज्यादा था,
ये चीजें फंसती भी नजर आ रही है। और संजय निषाद एक अच्छे बार्गेन मतलब अच्छे निगोशिएटर है, वो ओम प्रकाश राजभर की तरह नहीं है। अभी देखिए द्वंद क्या है कि 24 घंटे पहले शपथ ले लिया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री जी ने विभाग नहीं अलॉट किया, विभाग नहीं अलॉट किया है, बिना विभाग के मंत्री हैं, दौरा करने चले गए हैं। और वो बता रहे थे एक सज्जन हमको कि विभाग भाई साहब इनको अलॉट किया जाएगा चुनाव, मतलब 2-3 दिन इसमें टहलाएंगे योगी जी। भाई ठीक है, दिल्ली से दबाव पड़ा, हमने तुमको शपथ दिला दी, अब रोज रोज थोड़ी अमित शाह फोन करेंगे कि अरे यार विभाग क्यों नहीं दे रहे हो, अगर ये अमित शाह को फोन करेंगे तो वहां से डांट खाएंगे। तो ये दिल्ली लखनऊ का जंग, उसके बाद जौनपुर में अमित शाह मुर्दाबाद के नारे और बाकी उस नारे, और ये संजय निषाद की नाराजगी, पल्लवी पटेल की नाराजगी की खबर तो आप चला ही चुके, हम आप जानते हैं। इन सब नाराजगी के बीच आलोक भाई अभी तो कहीं चर्चा मैंने सुना कि शायद पल्लवी की माँ को लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी कर चुके हैं अखिलेश यादव जब तक आधिकारिक रूप से न बोल दें तब तक इस पर अभी कोई हम चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि आधिकारिक ऐलान के बाद ही साफ होगा। लेकिन संजय निषाद की अभी जो बात हुई कि संजय निषाद इस बार चाहते हैं अपने सिंबल पर चुनाव लड़े, मतलब चाहे बेटा हो और चाहे उनको और भी कोई सीट मिले, अपने सिंबल पर। ये सिंबल वाला फर्क जरा दर्शकों के बीच जाना चाहिए। देखिए अगर एक मतलब सेम सिंबल पर है, जो दल बदल कानून लागू होता है वो सिंबल पर होता है दल बदल कानून, अगर भाजपा के सिंबल पर, यहाँ पर भाजपा भी दांव पे, भाजपा तो इस मामले में प्रोफेसर है, मतलब सबसे एक्सपर्ट, सिंबल पर अगर कोई रहेगा तो वो किसी भी हालत में सत्ता में आए ना आए किसी हालत में वो इधर उधर जा नहीं पाएगा, फिर वो दल बदल कानून में आ जाएगा। अपने सिंबल पर आजादी ये है, अच्छा वो आजादी सबके पास है, वो मौका अनुप्रिया के पास है, वो मौका राजभर के पास है, वो मौका जयंत के पास है, और एकदम इसमें कोई दो राय नहीं है आज की राजनीति में कि अगर बाय चांस भाजपा सत्ता से दूर रह जाती है, इंडिया अलायंस सत्ता में आती है या बिल्कुल सत्ता में के करीब दहलीज पर खड़ी नजर आती है, तो राजभर तो खुद कहते हैं हम आज इधर है कल उधर है, समाज के लिए हम कहीं भी जाएंगे, वो एकदम खुलेआम कहते हैं। राजभर हैं, जयंत हैं, जयंत तो वहीं पर थे, इन लोगों के लिए रास्ता खुला है, चल देंगे, कोई एंटी डिफेक्शन ला, कोई दल बदल कानून वगैरह कोई लोड नहीं लेना है। वहां अकेला एक कमजोर आदमी भाजपा ने पाया है, संजय निषाद को, इकलौता कमजोर आदमी के बेटे को अपने सिंबल पर सांसद बनाओ, सत्तम रहे विपक्ष में रहे, कहीं जा नहीं पाएगा। क्या ये बात संजय निषाद को समझ में आ गई है कि भाई हमारा एक सांसद हो, दो सांसद हो, हमारे सिंबल पर हो, आज हम भाजपा के साथ हैं, कल हमारी इच्छा होगी तो हम जा सके कहीं, यहां तो बंधक हो गए, कहीं जा ही नहीं पाएंगे। क्या ये मन है और क्या ये इशारा इस तरफ है? अगर अगर ये बात कहीं पे अगर मन में आएगा तभी तो हम जिद करेंगे। क्या ये मन में कहीं है संजय निषाद के मन में कि लग रहा है कि भाजपा हो सकता है सत्ता ना आवे, और ना आवे तो हम फिर सत्ता से दूर रहें? ये छोटी पार्टियां जो भी है, राजभर संजय निषाद, ये लोग सत्ता के करीब रहना चाहते हैं, उसके बगैर इनका जीवन यापन नहीं हो सकता है। इसीलिए देखो राजभर 22 के चुनाव के बाद 22 में कह रहे थे कि अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाए बिना रुकूंगा ही नहीं, इनको मठ में भेज दूंगा, जैसे ही देखे कि सत्ता नहीं आई, उसी उम्मीद पर रुके थे, सत्ता नहीं आई, तुरंत इधर-उधर का बहाना, एसी का, कूलर का, फ्रिज का, टीवी का, जैसे शादी होती में कहा जाता लिस्ट है, ये एसी नहीं है, एसी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, वैसे ही अपनी लिस्ट एसी में बैठे रहते हैं, कूलर में बैठे रहते हैं, अखिलेश यादव कह के निकल गए, सत्ता के करीब जाना था। क्या अब संजय निषाद के भी मन में ये भाव आ चुका है कि सत्ता जरूरी नहीं है कि भाजपा आवे, और सत्ता में अगर भाजपा नहीं आती है तो राजभर अनुप्रिया जैन तो सब चले जाएंगे, हम ही यहाँ बैठे रह जाएंगे? आलोक भाई देखिए ऐसा है कि मैंने सपा का नाम बताया कि सपा में एक काजल निषाद है जो कि बड़ा चेहरा है, ग्लैमरस फेस है और बड़ी बहुत जमीन में लड़ती है, और अभी वो जिस तरह से हरशंकर तिवारी के घर पे जब ईडी सीबीआई का छापा पड़ा था स्वर्गीय हरशंकर तिवारी पे, तो
उनके पैर में प्लास्टर था, उसके बाद भी वहां पहुंच गई धरना प्रदर्शन करने के लिए। वो उन्होंने गोरखपुर के चुनाव को फंसा दिया है, उसको ब्राह्मण स्वाभिमान से जोड़ दिया है, एक तो ये। दूसरा सपा में एक तुरुक का इक्का लोटन राम निसार, लोटन तो बहुत पुराने आदमी है, लोटन बहुत पुराना और जमीन पे आदमी काम करने वाला। ये इस आदमी ने एक एक गांव घूम कर ग्रामीण का ग्रामीण क्षेत्र में बता दिया, एक 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 जातिगत जनगणना ने, इसके पास अपना गजब का नेटवर्क में, मैंने इंटरव्यू भी किया न्यूज लॉन्चर यूपी के लिए, तो उसपे भी भाजपा डोरे डाल रही है। उसने तो खुलासा कर दिया कि भाजपा कह रही कि भैया तुमको हम एमएलसी बना देते हैं। आप समझिए भाजपा तो अब ये सारा खेल देख रहे हैं कि अब तो काजल निषाद मजबूती से लड़ रही है, गोरखपुर में लड़ रही है कि जमीनें खत्म कर देंगी। संजय निषाद की पूरी राजनीति गोरखपुर बस्ती से शुरू हुई है, वहां एक मजबूत और लगातार हटी नहीं रही है काजल निषाद, मेयर का चुनाव हार के उसके बाद भी लगी हुई है, विधानसभा हारी तो भी लगी हुई है, और उसने अपनी ताकत दिखाई थी घोसी ने, घोसी के चुनाव में इन सारे लोगों ने जम के काम किया, तो उसकी एक मास अपील बन गई है। और संजय निषाद ने हमसे भी कहा है और कई लोगों से कहा कि मैं मूलतः निषादों का नेता हूं सबसे पहले, तो उसको अपनी गद्दी बचानी है, और गद्दी बचाने के लिए अगर वो अपने सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ेगा आशीष भाई, तो वही वाली बात है कि मैं अगर नौकरी कर रहा हूं कहीं तो मेरी अपनी जो नौकरी का टर्म्स एंड कंडीशन उसी को मुझे मानना पड़ेगा। तो ये तो जब तक भाजपा के सिंबल पे अगर लड़ेंगे इनका बेटा, तो एक आदमी तो पार्टी छोड़ के जा नहीं सकता है, लेकिन अगर एक दल रहेगा इसके पास, दो या तीन एमपी रहेंगे, तो भाई साहब अगर हंग असेंबली आती है तो हम सबने देखा है कि अजीत चौधरी जो है, जयंत चौधरी के पिताजी, दो या तीन एमपी लेके 10-10 साल तक कैबिनेट मिनिस्टर बने रहे। तो सब एक दूसरे को पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर संजय निषाद मेरे पति के डॉक्टर है, पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमसे ज्यादा उनके बारे में जानते हैं। तो पहले भी कहा था कि 37 सीटें लड़ने की हम तैयारी कर रहे हैं, हम अपने आजाद होना चाहते हैं, अपने सिंबल पर लड़ना चाहते हैं, और अब जो है उनको समझ में आ रहा है कि अगर हम इस वक्त ढंग से बार्गेन नहीं की, अपने सिंबल पर नहीं लड़े, तो हमारी निषादों की राजनीति ये दो नेता खत्म कर देंगे, एक लोटन राम निषाद, दूसरा काजल निषाद। तो आप समझिए, और भाजपा में जो बड़ी बात यह है कि एक तो सहयोगी नाराज है, दूसरा मोदी योगी का द्वंद बड़ा है। लोग कई पत्रकार तो खुल के लिखने लग गए हैं कि क्या हाल हो गया है, योगी का विरोधी मंत्रिमंडल में और योगी का करीबी जेल में। लोग तो तंज कस रहे हैं कि जिस धनंजय सिंह को कत्ल के मामले में नामजद होने के बाद भी यूपी पुलिस नहीं ढूंढ पाई, और जिसके क्रिकेट खेलते, जिस वक्त 25,000 के नामी थे वो क्रिकेट खेलते थे, उनके वीडियो को अखिलेश यादव ट्वीट किया करते थे कि भैया ये देखो ये घोषित अपराधी है, भगोड़ा, और यूपी पुलिस पकड़ नहीं पा रही। आज वो गिरफ्तार हो जाते हैं, सजा हो जाती, वो भी 7 साल की सजा। तो अंदर ही अंदर देखिए द्वंद बड़ा जबरदस्त है आशीष भाई। अब भाजपा दावा कर दे कि वो 80-80 जीत रही, लेकिन नहीं, अंदर वाले अब इस शो को खत्म करते हैं, सही जानकारियां हमने दे दर्शकों को, ड्यूरेशन लिमिटेड ड्यूरेशन ही रखते हैं। दरअसल अंदर के द्वंद से ज्यादा खतरा बाहर के द्वंद से है। अगर ये बाहर वाले साथी, अब तो गिने चुने बच्चे हैं जिनके पास वोट है पूरे देश में, वो 48 गिनवा लें या 98 गिनवा लें संख्या एनडीए के पार्टनर्स की, लेकिन जो वाकई कुछ ला सकते हैं वो निषाद हैं, संजय निषाद हैं, वो ओम प्रकाश राजभर हैं, वो अनुप्रिया पटेल हैं, जयंत भी वो ताकत खो चुके हैं, चेहरे के साथ आ गए हैं कि जाट फेस, लेकिन जयंत भी वो ताकत खो चुके हैं, लेकिन अनुप्रिया, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, बिहार में चिराग पासवान और थोड़ा बहुत उपेंद्र कुशवाहा, थोड़ा बहुत जीतन मांझी, ये लोग हैं। पूरे इंडिया अलायंस को अगर आप देख लोगे, एनडीए गठबंधन को देख लोगे, तो क्योंकि अब आप बहुत लोग सोचेंगे कि हमने महाराष्ट्र में शिवसेना, असली वाले शिवसेना को भी नहीं कहा और असली वाले एनसीपी को भी नहीं कहा, असली शिवसेना और असली एनसीपी इन दोनों को लत्ती भर वोट के मामले में नहीं भरोसा है। भाजपा को पता है खाली संख्या लेके आए थे, नंबर ऑफ हेड्स लेके आए थे, नंबर ऑफ वोट्स इनके पास नहीं है, और इसीलिए महाराष्ट्र में हम लाएंगे रिपोर्ट,
बहुत भयंकर घमासान है, बहुत भयंकर। अमित शाह जाकर के शिंदे के साथ बैठे, अजीत पवार के साथ बैठे, शिंदे के पास 13 तो एमपी हैं और उनको कहा जा रहा है 7 सीट लड़ लो, अजीत पवार को कह रहे हैं 3 सीट पे चुनाव लड़ लो। अब असली एनसीपी 3 सीट सिमट गई, देखिए एनसीपी का कैसे बेइज्जती। यही बात चुनाव मुद्दा बन जाएगा कि एनसीपी खत्म कर दिया, असली एनसीपी 3 सीट पे लड़ेगी। भाई शरद पवार की बनाई पार्टी थी, आज अजीत पवार को सौंप दी गई वो चुनाव आयोग द्वारा, 3 सीट पे चुनाव लड़ेगी। असली शिवसेना 7 सीट पे चुनाव लड़ेगी जिसके पास 13 सांसद है। तो ये है, और उनको कहा गया है कि विधानसभा में सब ये सबका भरपाई विधानसभा में कर देंगे। अच्छा, विधानसभा में भरपाई की बात पर अगर उद्धव ठाकरे यकीन कर लें तो फिर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे अगर यकीन कर लें कि विधानसभा में ज्यादा सीट मिल जाएगी, भरपाई हो जाएगी, तो एकनाथ शिंदे की राजनीति पर संशय नहीं, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि यही वादा उद्धव ठाकरे से किया था 2019 के चुनाव में भाजपा ने, कि बस लोकसभा चुनाव में जैसे हम कहें वैसे होने दो, विधानसभा चुनाव में कंपनसेट कर देंगे, भरपाई कर देंगे। और जब विधानसभा चुनाव आया तो उस वादे को उठा डस्टबिन में डाला और फिर सीटों पर टकराव। उसी वजह से असली उद्धव ठाकरे की परेशानी वो थी कि पहले लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव का झांसा देकर के सीटों पर खेल किया और फिर विधानसभा चुनाव में धोखा दे दिया। तो इनकी बातें हैं, बातों का क्या। आप इस चर्चा में हमें इजाजत दीजिए, आप देखते रहे न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।